यहाँ पर 100 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई थी। तो सातवीं रेजिस्टेंस किस लिए लगाई जाती है ये भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा ही देता हूँ। तो सातवीं रेजिस्टेंस यहाँ पर इसलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम एक 150 वाट एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम की एसटीडी करने वाले हैं। और साथियों, यदि आप इस सर्किट को थोड़ा अच्छी तरीके से डिजाइन करेंगे तो आपको करीब यहाँ से 200 वाट की आउटपुट इस सर्किट से यानी इस एम्पलीफायर से देखने को मिल जाएगी। साथियों, इस सर्किट की खास बात यह है कि साथियों, इस सर्किट में किसी भी प्रकार के हैवी कंपोनेंट यूज नहीं किए गए, जो कि आपको नॉर्मली लोकल मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, वही कंपोनेंट इस सर्किट यानी इस एम्पलीफायर में डिजाइन यानी यूज किए जाएंगे। तो आइए साथियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, जो ऊपर रेड कलर की लाइन देखे हैं साथियों, ये 42 वोल्ट पॉजिटिव की होगी, जो कि यहाँ पर डीसी में वोल्टेज होगा। और साथियों, नीचे आप जो वोल्टेज की लाइन देखे हैं साथियों, ये नेगेटिव लाइन होगी। और साथियों, यहाँ पर 42 वोल्ट माइनस सप्लाई है। और साथियों, ये यहाँ पर डीसी में ही होगा, यानी हमारा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज नहीं, यहाँ पर डीसी होने के बाद ही यहाँ पर मैंने वोल्टेज लिखे हैं। ट्रांसफार्मर की बात करें तो आप इसमें 30-0-30 का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, तो यहाँ पर हमने इनपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। साथ ही यहाँ पर दोनों ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर इन ट्रांजिस्टरों के यहाँ पर नंबर A564 यहाँ पर इन ट्रांजिस्टरों के नंबर होंगे। साथियों, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट ही नजर आ रहा होगा कि जो डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर को हमने डायरेक्टली इस माइनस सप्लाई से कनेक्ट किया है। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो इनपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर को हमने माइनस सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक 1K की रेजिस्टेंस लगाई है। तो साथियों, ये रेजिस्टेंस किस लिए लगाई जाती है ये भी मैं वीडियो के बीच में आपको समझा ही दूंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटरों को आपस में कॉमन कर देते हैं। साथियों, इस वोल्ट पर हमें यहाँ पर 0.7 वोल्ट लाने होते हैं। एक्चुअली साथियों, ये यहाँ पर आप जो 0.7 वोल्ट लाते हैं साथियों, वो आपको यहाँ पर यानी इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे भी देखने को मिल जाते हैं। और इसी यानी ये हमारे जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर ड्रॉ होता है साथियों, उसी का बायस वोल्टेज हम यहाँ पर लाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने इसके लिए एक ट्रांजिस्टर लिया है। तो साथियों, इसका जो कलेक्टर आप देख रहे हैं इस ट्रांजिस्टर का, ये हमारे इस दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। साथियों, ये यानी आप जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, इसके एमीटर पर हमने यहाँ पर 560 ओम की एक रेजिस्टेंस लगाई है सप्लाई से, यानी पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ने के लिए। तो साथियों, ये रेजिस्टेंस इसलिए लगाई जाती है क्योंकि साथियों, ये ट्रांजिस्टर हमारे इतने एम्पियर के नहीं होते, यानी इतने करंट सपोर्ट नहीं कर पाते जितने की यहाँ पर हमारा करंट होता है। यहाँ पर करिए आपको 10 एम्पियर का करंट देखने को मिल जाता है। और 10 एम्पियर में तो ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर खराब होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर करंट को लिमिटेड यानी करंट को कम करने के लिए यहाँ पर हमें 560 ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं या फिर लगा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 820 ओम या फिर आप 330 या फिर 470 ओम की रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए साथियों, आप जैसा कि जानते हैं कि आप किसी भी ट्रांजिस्टर के बेस पर जब तक वोल्टेज नहीं देंगे तो साथियों, वो यहाँ पर कंडक्ट नहीं करते, यानी ट्रांजिस्टर यहाँ पर कंडक्ट नहीं करता। तो इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने के लिए हमें इसकी बेस पर 0.7 वोल्ट लाने होंगे। देखिए साथियों, तो इतना अरेंजमेंट करने के बाद आपको इस ट्रांजिस्टर की बेस पर यानी ये 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो डायोड यूज किए गए, यहाँ पर 4148 डायोड यूज की गई, लेकिन यदि आप चाहें तो यहाँ पर 4060 डायोड भी यूज कर सकती हूँ। साथियों, यहाँ पर ये 5.6K की रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 वाट की लगाई गई। यदि आप चाहें तो यहाँ पर 1/4 वाट या फिर 1/2 वाट की या फिर 2 वाट की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप 1 वाट की रेजिस्टेंस लगाते हैं तो यहाँ पर ये बैटर काम करेगी। ये एक प्रकार का यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर ही बन चुका है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर से यहाँ पर वोल्टेज लाए तो यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट साथियों यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी है। तो साथियों, ये यानी ये एमीटर से होती हुई इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर करीब यहाँ पर 0.5 वोल्ट के ऊपर ही वोल्टेज आपको इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए साथ ही यहाँ पर हम जो वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम दो रेजिस्टेंस लगा देते हैं इस कॉमन पॉइंट पर, यानी यहाँ पर पॉजिटिव मान लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव, यानी इस पॉइंट पर नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे करीब यहाँ पर 0 वोल्ट है और साथियों ये हमारा 12 वोल्ट है। तो साथियों, यहाँ पर मान लीजिए हमने 270 की रेजिस्टेंस लगाई, यहाँ पर 68 की रेजिस्टेंस लगाई, तो करीब आपको यहाँ पर 3 वोल्ट देखने को मिल जाते हैं।
तो साथ ही उसी प्रकार का यहाँ पर वोल्टेज जो वोल्टेज डिवाइडर होता है उसी प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पर भी किया जाता है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है, इस साइड से एक रेजिस्टेशन लगा दी जाती है। फर्क बस इतना है कि वहां पर रेजिस्टेशन यूज की गई थी लेकिन यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप इस प्रॉब्लम को समझ लीजिएगा। साथियों आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर देखे हैं साथियों, इसकी बेस पर हमें एक ग्राउंड के साथ रेजिस्टेशन लगानी होती है जिससे कि ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर कंडक्ट कर सके। तो यहाँ पर 33 की रेजिस्टेशन लगाई और साथियों ये हमारा ये पीएफ लगा है जो कि यहाँ पर 100 नैनोफैरड का ये पीएफ है। तो साथियों ये 100 नैनोफैरड का पीएफ के बाद भी यहाँ पर एक रेजिस्टेशन लगाई जाती है। तो साथियों ये रेजिस्टेशन आपको नहीं लगाना है, यदि आपको लगाना है तो किस कंडीशन में लगाना है। मान लीजिए यदि आप यहाँ पर किसी प्रोफेशनल मिक्सर या फिर जो हमारे प्रोफेशनल ऑप एम्प सॉरी प्री एम्प होते हैं उससे यदि आप यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं तो साथियों आप यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन लगा सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर 100K की होगी। लेकिन साथियों यदि आप एक साधारण से पी एम्प प्री एम्प से यहाँ पर इनपुट देते हैं तो साथियों आप इस रजिस्ट्रेशन को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप यहाँ पर साधारण प्री एम्प से यहाँ पर इनपुट देते हैं तो साथियों इसकी आउटपुट बहुत ही कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस रेजिस्टेशन को अरेंजमेंट करने के लिए आपको मना करता हूँ। हाँ यदि आप यहाँ पर मिक्सर वगैरह से इस एम्पलीफायर में इनपुट देते हैं तो आप इस रेजिस्टेशन को यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि आप यहाँ पर कम ही इनपुट देंगे तो साथियों आपकी ज्यादातर जो इनपुट होगी साथियों वो यहाँ पर इस रेजिस्टेशन की जगह यहाँ पर ग्राउंड के साथ चली जाएगी। इस ट्रांजिस्टर में बहुत कम ही आपकी इनपुट जाएगी और साथियों आपको यहाँ पर आउटपुट बहुत कम ही देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, तो यहाँ पर हमने जो भी हमें इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से सिग्नल आउट मिला है साथियों इसी आउटपुट पे यानी इसी आउटपुट को हमने और बूस्ट करने के लिए यानी जो हमारा इनपुट का सिग्नल है साथियों वो यहाँ से आउट हुआ यानी यहाँ से एम्पलीफायर होकर आउट हुआ। तो साथियों इसी सिग्नल को हमें और बूस्ट करने के लिए यानी एम्पलीफिकेशन करने के लिए हमने यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है। साथियों ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर VD 147 और साथियों इसके एमीटर को हमने 100 ओम 1 वाट के रेजिस्टेंस के साथ माइनस सप्लाई से कनेक्ट किया है। साथियों आप जैसा कि जानते हैं कि जो आप यहाँ पर फीडबैक वाला पॉइंट देखते हैं साथियों, इसके जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक नेटवर्क ड्रॉ करना होता है। तो साथियों यहाँ पर 47 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर और यहाँ पर एक 560 ओम की यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है। तो यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है और साथियों इस ट्रांजिस्टर को अपनी वर्किंग फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए यहाँ पर एक PFB इस ट्रांजिस्टर की बेस टू कलेक्टर लगाया जाता है। साथियों आप यहाँ पर जो नीली कलर की पेन देख रहे हैं साथियों, ये आप यहाँ पर समझ जाइएगा यहाँ पर ड्रॉइंग में थोड़ी कमी थी, इसीलिए यहाँ पर इसे मैंने स्मॉल तरीके से यहाँ पर ड्रॉ की है यानी इस नीले कलर के पेन से यहाँ पर ड्रॉ किया। और साथियों ये यहाँ पर जो PF हुआ यहाँ पर 100 PF होगा, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होगी। साथियों यहाँ पर हमने वायसिंग रेजिस्टेशन और यहाँ पर जो डायपोड लगते थे वायसिंग वोल्टेज के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। साथ ही यहाँ पर तीनों डायपोड यहाँ पर 41 48 होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 4060 डायकोड भी यानी 4060 डायकोड भी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो रेजिस्टेशन लगी हुई है 4.7K की होगी और साथ ही यहाँ पर 2.2K की यहाँ पर रेजिस्टेशन होगी। साथ ही यहाँ पर एक बूस्ट का कैपेसिटर भी यहाँ पर लगता है। साथियों तो यहाँ पर जो हमारी बिजली चली गई तो साथियों यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि ड्रॉइंग आपको यहाँ पर क्लियर ही स्पष्ट नजर आ रही है। तो यहाँ पर लाइट आ भी गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आपको ड्रॉइंग यहाँ पर क्लियर ही नजर आ रही होगी। यहाँ पर आपको 1 वोल्ट देखने को मिल जाएगा यानी इस एम्पलीफायर का यहाँ पर 1 वोल्ट बायसिंग वोल्टेज रखा गया है। तो आपको यहाँ पर 1 वोल्ट नेगेटिव में देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर 1 वोल्ट पॉजिटिव में देखने को मिल जाएगा। वन वोल्ट ले लिखे हैं आप यहाँ पर समझ जाइएगा। साथ ही यहाँ पर जो ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर ड्रॉ की गए हैं साथ ही यहाँ पर D313 और यहाँ पर B560 ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज किए गए हैं। साथियों यहाँ पर जो एमीटर रेजिस्टेशन लगे हुए हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर के यहाँ पर जो 330 ओम की रेजिस्टेशन लगाई गई है और साथ ही यहाँ पर सॉरी 300 ओम 330 ओम की और इस साइड भी 330 ओम की रेजिस्टेशन लगी होगी। लेकिन साथ ही आप यहाँ पर करीब 200 वाट की आउटपुट चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 100 ओम 2 वाट की रेजिस्टेशन लगानी होगी। अदरवाइज आप इससे 150 वाट की आउटपुट तो आप 330 ओम यहाँ पर 1 वाट की रेजिस्टेशन लगा सकते हैं।
यहाँ पर जो आउटपुट स्टेज होगी यहाँ पर 3055 और 2955 की ट्रांजिस्टर की आउटपुट स्टेज लगी थी। यदि आप इससे 200 वाट की आउटपुट चाहते हैं तो आप यहाँ पर एमजे इकाई से 194 और एमजे इकाई से 193 ट्रांजिस्टर की आउटपुट स्टेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी आउटपुट स्टेज भी ड्रॉ कर दी और साथ ही यहाँ पर मैंने ट्रांजिस्टर और इसके एमिटर रेजिस्टेशन की यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी है। साथ ही इनकी वैल्यू आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रांजिस्टर या कोई भी एमिटर रेजिस्टेशन लगा सकते हो। साथ ही यहाँ पर आप कौन सी एमिटर रेजिस्टेशन लगाना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सर्किट डायग्राम में आखिर क्या खास है और इसमें क्या अलग अरेंजमेंट किया गया था। तो साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्किट में यहाँ पर ये डायोड देख रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर एक 100 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई थी। तो साथ में ये रेजिस्टेंस किस लिए लगाई जाती है ये भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा ही देता हूँ। तो साथ में ये रेजिस्टेंस यहाँ पर इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि साथ में यदि हम यहाँ पर 3 डायोड लगाते हैं तो साथ ही यहाँ पर हमारा बायसिंग वोल्टेज करीब 1 वोल्ट के करीब पहुंच जाता है, और साथ ही यदि हम यहाँ पर 2 डायोड लगाते हैं तो करीब हमारे यहाँ पर 7 वोल्ट यानी 0.7 वोल्ट बायसिंग वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन साथ ही करीब यहाँ पर 0.8 वोल्ट बायसिंग वोल्टेज लाने के लिए हम यहाँ पर एक डायोड ही रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो आपको यहाँ पर करीब 0.8 वोल्ट देखने को मिल जाता है। यानी बायसिंग वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर एक डायोड और एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगा देते हैं। साथ ही यदि आप इस रेजिस्टेंस को नहीं भी लगाते तो भी आपका सर्किट काम करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन साथ में यहाँ पर जो हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं यहाँ पर हीट होने लगते हैं, यानी यदि हम यहाँ पर 1 वोल्ट बायसिंग वोल्टेज रखते हैं तो यहाँ पर हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर हीट होने लगते हैं। तो इसी हीटिंग को यानी इसी हीटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पर एक 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, जिससे कि एम्पलीफायर की क्वालिटी भी अच्छी बनी रहे और साथ ही हमारे ट्रांजिस्टर भी यहाँ पर हीट ना हो। तो खैर कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथियों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही आए भाई मजा आया। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देन चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।